सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और एक और टेक वीडियो अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं गेमिंग रिव्यू नए डिवाइस मोटोरोला के मोटो ई फोर प्लस की। सो फटाफट चलते हैं दोस्तों इस डिवाइस की गेमिंग रिव्यू की तरफ और फिर देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर मैं तीन गेम्स खेलूंगा, एस्फॉल्ट 8, गॉड्स ऑफ रोम एंड मॉडर्न कॉम्बैट 5। 10-10 मिनट के लिए तीनों गेम्स को खेलूंगा और क्या ये फोन हीट होता है या नहीं और उसके अलावा कैसा परफॉर्म करता है जब हम इन हैवी गेम्स को मैक्सिमम विजुअल सेटिंग्स पे खेलते हैं। सो स्टॉपवॉच को मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं एस्फॉल्ट 8 से। तो राइट दोस्तों, स्टार्टिंग में ही मैं देख सकता हूँ एनिमेशंस जो है काफी स्लो आ रही है यहाँ पर। तो गेम प्ले में दोस्तों प्रॉब्लम तो नहीं है बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फ्रेम ड्रॉप्स मिस हो रहे हैं, बट गेम प्ले आपको इतना स्मूथ नहीं लगेगा फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट प्लेइंग द गेम। बट कोई डेड टच की प्रॉब्लम नहीं है एंड बड़ी स्क्रीन है तो मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। श्योरली 5.5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पर हैंडी है और अगर 1080p डिस्प्ले होता तो और मज़ा आता, और अच्छी रेजोल्यूशन में कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, वाइब्रेंट आते हैं यहाँ पर। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर एक गेम खेलते वक्त मुझे जो एक चीज़ और फील हुई है, जो एक तरह से फ्लॉ लगा है मुझे यहाँ पर, कि स्पीकर उन्होंने यहाँ नीचे की तरफ दे रखा है। सो जनरली मैं जब मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम आती है कि स्पीकर बंद हो जाता है, क्योंकि जनरली स्पीकर्स अगर ऊपर हों तो मैं ऐसे पकड़ता हूँ फ़ोन को और ऊपर ठीक ठाक चल जाते हैं, बट नीचे की तरफ यहाँ पर आवाज़ जो है ब्लॉक हो रही है। राइट दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं क्लॉक को यहाँ पर स्टॉपवॉच में देखिए। जी हाँ दोस्तों, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है और मैं टेम्परेचर को चेक करना ज़रूर चाहूँगा। राइट सो आप देख सकते हैं 43 डिग्री तक नीचे की साइड पे यहाँ पर टेम्परेचर हो रखा है। राइट सो यहाँ पर हम देख सकते हैं करीब करीब 40 डिग्री 41 तक चला गया है और फ्रंट में अगर हम टेम्परेचर चेक करें दोस्तों, सो यहाँ पर अगेन 41 डिग्री के आसपास हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट दोस्तों मैं खेलूँगा यहाँ पर गॉड्स ऑफ रोम और अगेन स्टॉपवॉच मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। राइट सो स्टार्टिंग में ही दोस्तों थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। राइट अब देख सकते हैं जो अल्ट्रा अटैक अभी हुआ है कितना स्लो है, यहाँ पर हल्का सा लैग ही है। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर अचानक ही गेम खेलते खेलते सिर्फ वॉल्यूम आ रही है एंड गेम चल नहीं रही है। सो मुझे इसको दोबारा से आई गेस रीसेट करना पड़ेगा। और पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों, सिंस ये एक 5.5 इंच की स्क्रीन है और ये 720p डिस्प्ले लगा है यहाँ पर, सो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों जो एजेस हैं, जैसे अगर ये बॉक्स बना हुआ है और इवन जो ये लेवल 4 लिखा हुआ है, काफ़ी ब्लर्ड है, मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा, इतना क्रिस्प नहीं है जो ग्राफिक्स हैं, इतने ज़्यादा क्रिस्प नहीं है बिकॉज ये 720p डिस्प्ले है। इस वजह से जो कलर्स और जो इवन जो लेटर्स लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा ब्लर्ड है, हल्का सा आपको पता चल जाता है देखने में ध्यान से कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर्डनेस आपको दिख रही है।
सो राइट दोस्तों, अब स्टॉपवॉच को चेक करते हैं यहाँ पर। सो राइट अगेन 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं मुझे खेलते वक्त। चेक करते हैं टेम्परेचर को। राइट सो थोड़ा सा और बड़ा है टेम्परेचर यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ आगे की तरफ चेक करें, साइड्स भी काफ़ी दोस्तों यहाँ पर गर्म हो गई हैं। पकड़ने में आपको फील हो रहा है ये एरिया बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया है एंड 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया है। सो लास्ट दोस्तों मैं यहाँ पर खेलूँगा मॉडर्न कॉम्बैट 5। सो लास्ट दोस्तों मैं यहाँ पर खेलूँगा मॉडर्न कॉम्बैट 5। तो स्टार्ट करते हैं इसको और चेक करते हैं कि ये गेम कैसे परफॉर्म करती है। फ़ोन दोस्तों काफ़ी गर्म हो गया है, अब पकड़ने में इस साइड पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हीट हो रहा है क्योंकि ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो रहा है अभी फ़िलहाल। राइट आप देख सकते हैं थोड़ा सा लैगी हुआ था अभी, जब हैवी एनिमेशन हो जाते हैं तो गेम प्ले लैगी हो जाता है। सो ओवरऑल दोस्तों गेम प्ले में मज़ा तो ज़रूर आया, एक बड़ी स्क्रीन है एंड यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है मुझे खेलते वक्त। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर चेक करना चाहूँगा क्योंकि हाथ में काफ़ी ज़्यादा गर्म फील हो रहा है। देखिए आप 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ भी दोस्तों देखें तो यहाँ पर करीब करीब 42-44 के आसपास टेम्परेचर भी पहुँच गया है। और दोस्तों अगर मैं सराउंडिंग टेम्परेचर्स की यहाँ पे बात करूँ तो आप देख सकते हैं सराउंडिंग टेम्परेचर्स करीब करीब 31 डिग्री के आसपास यहाँ पर हैं। सो जो वर्डिक्ट है मेरा दोस्तों, श्योरली हीटिंग इशूज़ हैं यहाँ पर। फ़ोन गर्म हो रहा है आधे घंटे के गेम प्ले में ही 45 डिग्री टेम्परेचर पहुँच रहा है। सो और ज़्यादा खेलेंगे सो मे बी 49 डिग्री तक भी पहुँच जाए, जो हमने देखा भी था जब मैंने इसका बैटरी चार्जिंग टेस्ट परफॉर्म किया था तो वहाँ पर भी ये करीब करीब जो 2 घंटे का गेम प्ले रखा था मैंने तो वहाँ पर 49 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया था। सो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि हैवी गेम्स में लैग्स मिलेंगे, फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहेगी, ग्राफिक्स क्वालिटी इतनी अच्छी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट ये नहीं है कि गेम बहुत ज़्यादा अटक अटक के चलेगी, बिल्कुल ही बकवास चलेगी, वो चीज़ आपको शायद ना देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर जो 3 GB रैम है वो हैंडी आ रही है गेम्स को खेलने के लिए। सो ये था दोस्तों गेमिंग रिव्यू मोटोरोला के E4 प्लस का। बताइए कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।